जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे थे कि लूना क्लासिक में हमें कोई भी मूव नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी सडनली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। चाहे वो लूना क्लासिक की बात करें, चाहे हम USTC की बात करें, ऑलरेडी आप देख सकते हो 500% से भी ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है USTC का बहुत ऊपर गया है। इवन इसका जो मार्केट कैप है 10-11% से बड़ा है और इसके प्राइस में भी लगभग 11-12% का इंक्रीज आ चुका है। और इसी के साथ साथ टेरा का जो एक्चुअल लून है, ओरिजिनल लून है, जो कि यानी कि नया लून है, उसमें भी बहुत बड़ा इंक्रीज ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में इसमें काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स आई हैं जिसकी वजह से ये तीनों कॉइन्स अब फिर से एक बड़ा मूव लेना शुरू कर चुके हैं। हालांकि मार्केट में देखें, अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो 68 के आसपास आ चुका है, यानी कि उतना ग्रीड मार्केट में बचा नहीं है, लेकिन मार्केट कैप जो है वो अगेन $1.66 trillion के आसपास रुका हुआ है। यानी कि चाहे प्राइसेस नीचे जा रहे होंगे ऑल्ट कॉइन्स के, लेकिन ये कॉइन्स अभी फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अगर हम इथेरियम देखते हैं, सोलाना देखते हैं, तो इनमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, यानी कि ऑल्ट सीजन अभी भी ऑन है। और यही जो कॉइन्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, यही कॉइन्स हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वॉटेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले देता हूं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और टाइमली एक्शन लेते रहें जैसे जैसे मैं कोई भी अपडेट डालता हूं वहां पे। और हाँ, हमारा अभी एक यहां पे एक लास्ट एक दो दिन बचे हैं बिटमार्ट के ऊपर, यहां पे मैं 5 लोगों को गिव अवे करने वाला हूं $50 का ASCT कॉइन, जो कि बिल्कुल नया है और लिस्टिंग से पहले पहले आपको ये मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं तो आपको लिंक बिटमार्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अभी से साइन अप करके नीचे UID अपनी कमेंट कर दो ताकि मैं आपको भी कंसिडर कर पाऊँ। तो सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि USTC का जो वॉल्यूम है, प्राइस है, मार्केट कैप है, सब कुछ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लूना क्लासिक में भी हमें यहाँ पे सर्च दिख रहा है और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो एक्चुअल में एक प्रपोजल लगाया गया था जो कि था प्रपोजल 11940। तो अभी तक जो बात करी जा रही थी लूना क्लासिक की या फिर USTC की, वो सिर्फ और सिर्फ यही करी जा रही थी कि जो वैलिडेटर्स हैं वो लूना क्लासिक को बर्न करें। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो जो लूना क्लासिक की बर्निंग है वो वैलिडेटर्स की होती है। अगर वो बर्न करते हैं तो उनकी अपनी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन अगर जो कम्युनिटी है, जो ट्रांजैक्शंस करती है, अगर टैक्स लगा दिया जाता है तो वो टैक्सेस के साथ साथ हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पे बर्न चलता रहेगा। लेकिन हमारी कम्युनिटी के पास इतनी ज़्यादा लूना क्लासिक नहीं है, इतनी ज़्यादा USTC नहीं है, जिसकी वजह से कि इतना ज़्यादा बर्न हो पाए। तो ये बर्न तो शायद इतनी फास्टली नहीं हो पाएंगे। हालांकि आप यहाँ पे जो देखोगे कि सप्लाई कितनी है लूना क्लासिक की, तो ये लगभग 6.8 trillion LUNC की टोटल सप्लाई है और 5.8 LUNC की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जिसका जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप $1 billion के आसपास बनता है। और इसमें प्रॉफिट सिर्फ तभी आएगा अगर इसकी सप्लाई को कम किया जाता है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर ये जो चेन है, अगर इस चेन को बेहतर बनाया जाता है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाते हैं, और ये तभी होंगे अगर इसके ऊपर डेवलपर्स काम करने वाले हैं, तो वरना ये प्रोजेक्ट एक बिल्कुल मीम कॉइन बन के रह जाएगा, जो मैं आपके साथ कई बार ये वाली बात शेयर भी कर चुका हूँ। तो इनको मैं मीम कॉइन्स में इसकी कैटेगरी में ही डालता हूँ जो USTC या LUNC है, जब तक इनकी डेवलपमेंट शुरू नहीं हो जाती। लेकिन अभी इसी चीज़ को लेकर बड़ा अपडेट यही आ गया जो कॉस्मोस टैग डेवलपर से जेनोन लैब्स के, उन्होंने इस प्रपोजल को ऑफिशियली पास कर दिया, जो कि प्रपोजल 11940 के नाम से था, जिसमें लिखा था जेनोन लैब्स टेरा क्लासिक डेवलपमेंट प्रपोजल। तो इस प्रपोजल में ये बोला गया कि यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो क्लैब करने वाले L1 टीम के साथ, जिससे टेरा लूना क्लासिक की जो चेन है इसको बेहतर बनाया जाएगा, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। और ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज आए हैं टेरा लूना क्लासिक की चेन के ऊपर, जिस कारण यहाँ पे प्रपोजल्स ऐसे चलते रहते थे। और अभी का जो प्रपोजल है इसमें लगभग 85% जो कम्युनिटी है उन्होंने यस किया। वो यस कैसे होता है, यानी कि वो अपने जितने भी लूना क्लासिक कॉइंस हैं उनको वोट करते हैं, वोटिंग करके ही यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस या नो। तो यस की जो परसेंटेज वो 85% के आसपास आई, नो की परसेंटेज लगभग 3% के आसपास आई। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि कम्युनिटी चाहती है कि इस चेन को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि बेहतर होगी तभी इसके ऊपर डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगी, या फिर इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बिल्ड किए जाएंगे और चेन जो है वो किसी काम भी आएगी, वरना मैंने आपको बोला कि ये मीम कॉइन की तरह ही रह जाएगी। अब यहाँ पे जो स्टेकिंग हुई है टोटल 2.2 billion LUNC की हुई है, जिसमें 500 million LUNC लूना क्लासिक लैब्स के थे, यानी कि उन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट दी है। अब ये डेवलपमेंट शुरू तो हो जाएगी, इसका जो मेजर फोकस रहने वाला है वो इंटीग्रेशन के ऊपर रहने वाला है, और IBC हुक्स एंड PFM फीचर्स इसके इनेबल किए जाएंगे, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, एंड टू एंड टेस्टिंग करी जाएगी, इंटरचेन टेस्टिंग करी जाएगी, जो फीस है उसको भी चेक किया जाएगा कि फीस ज़्यादा तो नहीं लग रही है, इसके मेकैनिज्म को चेक किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है,
जो फी टैक्स है, यानी कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन पर कितने कॉइन्स को बर्न किया जाता है और बर्न हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बर्न होंगे तभी इसकी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाएगा। और इसमें जो डेवलपर्स हैं, जो सीनियर डेवलपर हैं, इसमें NGUYEN, इसका नाम तो मुझे नहीं समझ आ रहा, उसमें मी है और निग्यू है, जूनियर डेवलपर है डोंग है, तो जिन्होंने ऑलरेडी ऑस्मोसिस, क्विक सिल्वर, स्ट्राइड, कंपोजिबल, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको बता देता हूँ, ग्रेविटी ब्रिज, IBC गो, कॉस्मोस SDK, तो इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने काम पहले भी किया हुआ है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी इन्होंने हैंडल किया, तो अभी ये लूना क्लासिक की जो चेन है इसको बेहतर बनाएंगे। और यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बर्न प्रपोजल है ये भी थोड़ा बेहतर हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में जो बर्न है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और USDC की बात करें तो USDC में जो सप्लाई है ये भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और LUNC की सप्लाई भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि USDC का और LUNC का बर्न प्रपोजल आएगा और अप्रूव भी होगा। और अप्रूव किसने करना है, मेनली तो वैलिडेटर्स ही करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी के पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा। और ये प्रपोजल अगर एक्सचेंज के द्वारा भी किया जाता है तो देन डेफिनेटली बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने बात करी है LUNC की और USDC की, इसी के साथ साथ जो नया लूना है लूना, उसकी भी हम बात करेंगे, जिसकी वैल्यू अभी 90 सेंट के आसपास चल रही है, यानी कि $1 नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन $1 25 दिसंबर को पहुंचा भी था। इससे पहले की बात करें तो ये $1.2 के आसपास पहुंचा था, जो कि 4 तारीख को पहुंचा था, यानी कि इसकी वैल्यू यहां से भी मैं 2-3 गुना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकती है। क्यों हो सकती है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि टेरा नेटवर्क के ऊपर कंजेशन पहले आते रहते थे, यानी कि चेन रुक जाती थी, इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस महंगी हो जाती थी ट्रांजैक्शन करना, या फिर ट्रांजैक्शन होल्ड ही हो जाती थी। अब इस कंजेशन को हटाया जाएगा, काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस पास किए गए, मेनली तो इसमें 2 रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें क्या कि गैस फी को कम भी किया गया। तो सबसे पहला ये कि जो टेरा वैलिडेटर्स हैं वो टेम्परेरली मिनिमम गैस फी को इंक्रीज़ करने वाले, ताकि जो ट्रांजैक्शंस रुकी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए, वो ट्रांजैक्शंस पूरी हो जाएं। दूसरा ये है कि इसके ऊपर नॉन कंसेंसस ब्रेकिंग पैच लगाया जाएगा टेरा वैलिडेटर्स के लिए, ताकि इसके ऊपर जो इनवैलिड ट्रांजैक्शंस हैं वो कम करी जाए, और इससे जो UX है वो भी इम्प्रूव किया जाएगा, और नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होने वाली है। तो ये दो मेन जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन होने की वजह से ही इसके ऊपर डेवलपमेंट्स ज़्यादा होंगी, कंजेशन कम होगा, तो ये प्रोजेक्ट या फिर इस चेन को भी डेफिनेटली और भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो यही था लूना क्लासिक, लूना नए के बारे में और USDC के बारे में। तो जब भी आप देखोगे लूना क्लासिक की न्यूज़ आती है, चाहे वो USDC की न्यूज़ है, दोनों में इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आज की जो न्यूज़ है वो एसोसिएटेड तो है लूना क्लासिक के साथ, लेकिन इसी के साथ हमें जो प्रॉफिट मिला है वो USDC में मिला है। इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो बॉन्ग कॉइन हो, ICP हो, क्योंकि ICP ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, जो कि 25% का इंक्रीज़ हमें पिछले 24 घंटे के अंदर दे चुके हैं, जो कि मैंने हमारे लास्ट वीडियो में लिस्ट जो दी थी उसमें भी आपको दिया था कि ये प्रॉफिट देगा ही देगा, ऑलरेडी वहाँ से हमें 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ से 2-3 गुना तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी FTT कॉइन या फिर ऐसे कुछ और कॉइन्स की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।